ओके मेरा बच्चा, यस्टरडे वी स्टार्टेड दिस पेपर एंड देन पेपर कोड इज 058042 May 21. वी डिड द टिल क्वेश्चन नंबर 4. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 5. सो प्लीज लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स. या आई नो दैट द मैट्रिक्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, बट दिस इज वेक्टर्स. ये वेक्टर्स है क्योंकि वेक्टर्स को कॉलम मैट्रिक्स के जरिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है बेटा. ओके फर्स्ट पार्ट देख लें बेटा. कहता है बी माइनस ए करो, तो बी माइनस ए हो जाएगा. पहले लिखें बी, टू माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज माइनस ए इज माइनस थ्री एंड एट, साथ साथ करें इक्वल्स. तो ये हो जाएगा टू माइनस इंटू माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव माइनस एट, तो ये आ जाएगा टू प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा माइनस थर्टीन. तो ये आ जाएगा फाइव फोर माइनस थर्टीन. वन मार्क का क्वेश्चन था, आसान. फिर कहते हैं टू ए प्लस बी, तो पहले लिखें टू, ए क्या है आपके पास माइनस थ्री और एट, प्लस बी क्या है बेटा टू और माइनस फाइव. ओके अब पहले टू को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस सिक्स और टू एट टू जर सिक्सटीन ब्रैकेट प्लस टू और माइनस फाइव. कैलकुलेटर अलाउड होता है ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, तो माइनस सिक्स प्लस टू इज माइनस फोर एंड सिक्स प्लस माइनस माइनस, तो सिक्स माइनस फाइव इज इलेवन. ठीक है बेटा, तो टू मार्क्स थे इसके. आसान नहीं, गिफ्ट था एग्जामिनर की तरफ से. ओके मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होता है बेटा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब ये बी का मैग्नीट्यूड मांग रहा है आपके साथ सामने, तो बी में एक्स है टू, टू स्क्वायर प्लस और माइनस फाइव स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट टू स्क्वायर इज फोर एंड प्लस फाइव स्क्वायर इज 25, सो द आंसर इज स्क्वायर रूट 29. तो ये कैलकुलेटर पे पंच कर लें क्या आंसर आ रहा है बेटा, 5.38. सो इट्स 5.38 यूनिट्स. तो ये मैग्नीट्यूड है तो 5.38 यूनिट्स होगा. ठीक है ओके. कहता है ए प्लस के बी इज इक्वल टू 13 m. तो ए प्लस के बी, ए क्या चीज है बेटा, ए है माइनस 38, ए इज माइनस 3 और 8 प्लस के, और बी क्या है बेटा, बी ऊपर लिखा हुआ है 2 और माइनस 5. कहते हैं ये बराबर है बेटा 13 और m के. ठीक है लेफ्ट हैंड साइड पे देख लें क्या आ रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है बेटा माइनस 3 प्लस 2 के, एग्री, और ये आ रहा है 8 माइनस 5 के. यस और नो, दैट इज इक्वल टू 13 और दैट इज इक्वल टू m. ओके नाउ द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू 13, तो हम यहां से k निकाल सकते हैं, इक्वेशन बन जाएगी. सो माइनस थ्री प्लस टू के इज इक्वल टू 13, 13 उधर, 3 उधर ले जाएं, 2k इज इक्वल टू 16, सो k इज इक्वल टू 8. आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है कि k 8 के बराबर है. नीचे वाली इक्वेशन देख लो अरबाब, ये कह रहा है कि 8 माइनस 5 k ये m के बराबर है. अब k हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो 8 माइनस 5 इंटू 8 इज इक्वल टू m, 8 माइनस 40 इज इक्वल टू m, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस 32. यस और नो, जी सर. तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं 3 मार्क्स के लिए. ये बहुत आसान क्वेश्चन था. सिंपल बेसिक मैथ्स था, इसमें कोई भी इतना कोई एडवांस चीज नहीं थी. प्रोसीड करूं बेटा, जी नूर रीड द क्वेश्चन बेटा. OABC is a parallelogram and O is the origin. M is the midpoint of OB. N is the point on AB such that AN ratio NB equals to 3:2. Okay, calm down. Wait a minute. जब रेशो पढ़ लिया करें तो रुक जाया करें, ठीक है? Okay. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A, यहाँ पे मैं लिखता हूँ B, ठीक है? दरमियान में है N. कहता है कि A to N three parts हैं. A to N is three parts and N to B is two parts. So can I say that it is 2 out of 5 and it is 3 out of 5? Yes or no? Yes. Okay. So बस ये अभी यहाँ पे आपने याद रखना खाली फिलहाल के लिए. कहता है OB find करो. तो बेटा ये P है तो ये भी P होगा ना? Agree? Yes or no?
यस और नो? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके, ए टू एन इज 3 out of 5 क्यू एंड दैट इज 2 out of 5 क्यू बिकॉज ऑफ द रेशो। ओके, हमें ओ टू बी तक जाना है, सो ओ से गाड़ी स्टार्ट करें, बी तक जाएं, तो आई विल गो ओ टू सी प्लस सी टू बी। तो ओ टू सी इज प्लस क्यू एंड सी टू बी इज प्लस पी, सो क्यू प्लस पी इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। इजी बेटा, सबके लिए आसान है? आसान है बेटा? जी सर। ओके, फिर कहता है सी टू एम जाओ, क्या जाओ बेटा? तो सी टू एम जा रहा हूं, ठीक है, तो सी टू एम। ओके, तो सी टू एम इज सी टू ओ प्लस ओ टू एम, एग्री? एंड इन द क्वेश्चन इट इज स्टेटेड दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, वी डू हैव ओ बी हियर इन द फर्स्ट पार्ट, एग्री? हमारे पास ओ टू बी ऑलरेडी मौजूद है, तो ओ टू एम हम निकाल सकते हैं ओ टू बी को आधा करके। तो ओ टू एम वेक्टर इट इज इक्वल्स टू क्यू प्लस पी डिवाइड बाई टू। अरबाब समझ आइए बेटा? जी सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू बाई टू और पी बाई टू लिख सकता हूँ? जी सर, वही बात। ओके, तो सी, ओके, तो सी टू ओ होगा बेटा माइनस क्यू, यस और नो? एंड ओ टू एम इज क्यू बाई टू प्लस पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू प्लस पी बाई टू, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, सेम है। तो क्यू के साथ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है वन, तो ये हो रहा है वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू, तो ये हो रहा है माइनस वन, सॉरी माइनस वन प्लस वन बाई टू, तो ये आएगा हमारे पास माइनस वन बाई टू, तो ये आएगा माइनस वन बाई टू क्यू प्लस वन बाई टू पी, तो दैट इज द आंसर। इजी, आसान है बेटा सबके लिए? काशिफ? जी सर। ओके, कुलसुम, इज दिस इजी फॉर यू? कुलसुम, इज दिस इजी फॉर यू? सर। ओके, नाउ दे से दैट फाइंड एम टू एन, तो एम से एन तक जाना है, सो अब एम से एन तक जाने के लिए हम लोग यहाँ पे एरो लगा लेते हैं एम टू एन, ठीक है? तो एम टू एन जाने के लिए हम चलते हैं आसान वाला रास्ता, लेते हैं एम टू बी प्लस बी टू एन, राइट कुलसुम? और एम टू बी ओ एम के बराबर ही है क्योंकि आधा आधा ही है ना दोनों, तो इट इज क्यू बाई टू प्लस पी बाई टू, राइट अरबाब? प्लस बी टू एन, अब ये माइनस टू बाई फाइव क्यू होगा, यस और नो? यस और नो? बी टू एन इज माइनस टू बाई फाइव क्यू, कुलसुम समझ आइए माइनस क्यू लगाया है? यस, डायरेक्शन चेंज है, तो अब इसको जरा ओपन कर लें, क्यू बाई टू माइनस टू बाई फाइव क्यू प्लस पी बाई टू, मैंने क्यू क्यू को इकट्ठा लिख दिया। जी एम बी क्यू बाई टू पी बाई टू, इसको जरा बेटा, एम बी और ओ एम बराबर नहीं है? एम बी और ओ एम एक ही चीज है जी। हाँ जी, तो हमने ओ एम लिखा हुआ था ना, उसकी जगह पे एम बी लिख दिया, बस एक ही बात है। ओके, अब ये क्यू क्यू के कोफिशिएंट्स ऐड और माइनस होते हैं, तो क्यू के साथ लगा हुआ है वन बाई टू, तो ये लिखेंगे हम वन बाई टू माइनस, दूसरा कोफिशियंट है माइनस टू बाई फाइव, माइनस टू बाई फाइव, तो जो आंसर आएगा वो क्यू के साथ लिखना है, तो इट इज वन बाई टेन, तो इट इज वन आउट ऑफ टेन क्यू प्लस पी बाई टू, सो दैट इज द आंसर। सो वन बाई टेन क्यू प्लस वन बाई टू पी, एक ही बात है, या पी बाई टू। इजी एवरीबडी, यस और नो? अभी जो लास्ट पार्ट है ना, ये तो ये क्यों बाई टू से माइनस टू बाई फाइव, सर ये वन बाई टेन किस तरह है बेटा? ये कैलकुलेटर में आप इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं कर सकते क्यों, अगर आप वर्किंग में करोगे तो? सर आप जरा करें एक बार बेटा, क्यू बाई टू माइनस टू बाई फाइव क्यू आप करते हैं, तो आपने इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं कि नहीं? जी सर। तो मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव करोगे ना? जी सर। तो फाइव क्यू डिवाइड बाई टेन माइनस फोर क्यू डिवाइड बाई टेन, अब पता लगेगा कि वन बाई टेन कैसे आया? हाँ जी सर। ओके, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ रफल किंग। ओके, सी टू बी एंड ओ एन आर एक्सटेंडेड टू मीट एट डी, सी टू बी और ओ एन को एक्सटेंड करें, सी टू बी एंड ओ एन। ओके, तो सी टू बी एंड ओ एन, तो अब मैं जरा बाकी लाइनें मिटा रहा हूँ। अच्छा, बाकी नहीं मिटाते, थोड़ा सा रेड कलर ले लेता हूँ, ये दूसरा कलर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। सी टू बी
it is extended, and O to N, it is extended to meet at D. ठीक है, हमें D पॉइंट ये मिल गया. एग्जामिनर कह रहा है कि फाइंड आउट द पोजिशन वैक्टर ऑफ D. पोजिशन वैक्टर ऑफ D का मतलब है ओ डी निकालना है, राइट नूर? यस. तो ओ टू डी जरा देखें बेटा, ओ टू डी हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास बी टू डी आ जाए, यस और नो? यस और नो? डू वी हैव ओ एन नूर? क्या हमारे पास ओ एन है नूर? यार जल्दी करें, बार बार आप जरा सामने क्वेश्चन में देखिए, क्या हमारे पास ओ एन मौजूद है? नहीं. यस सर. क्या हमने कहाँ है बेटा, कहाँ है ओ एन, कहाँ पे मौजूद है बताओ जरा. सर ये ओ से जा रहे हैं एन पे जा रहे हैं ना? हाँ, तो क्या हमने इसको फाइंड आउट किया है? नहीं सर. क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे? जी सर, ये पी से और इससे, हाँ ट्रायंगल कर से सकते हैं ना. तो जी हम सर. लोग ओ एन पहले निकाल लेंगे, ठीक है, कि ओ एन है क्या चीज. तो ओ टू एन इज नूर ओ टू ए प्लस ए टू एन, यस और नो? जी. ओके, ओ टू ए इज पी, एग्री? ओ टू ए इज पी एंड ए टू एन इज 3/5 क्यू, यस और नो? यस और नो? यस. ओके, नाउ आई हैव ओ एन, एग्री? तो क्या अब मैं एन डी निकाल सकता हूँ रेशो से? अब देखें मैं एन डी कैसे निकालूंगा, जरा देखें. अच्छा, O to N and that is N to D. Okay, Noor. जी. बेटा यहाँ पे 3/5 क्यू लिखा हुआ है, तो क्या N to D में 2/5 क्यू होगा? क्या मतलब सर? बेटा टोटल होता है ना जी. तो ये 3/5 क्यू आपके सामने अवेलेबल है, यस और नो? वो तो A to N का है ना बेटा, ए टू एन का है. मैं आपको जरा ये देखें, जरा मैं ऊपर वो जो लाइन लिखी हुई है ना ए एन डी, वो मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ, जरा इधर देखो. अच्छा सब देखें बेटा, ओ एन डी, समझ आ गई है? ये ऊपर लिखा हुआ है ओ एन डी, मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है. ओ टू एन आ गया बेटा आपके पास, 3/5 क्यू होगा. एक मिनट सबर करें ना जरा, अभी इसलिए तो डिटेल कर रहा हूँ. ओ टू एन आपने निकाल दिया ना, पी प्लस 3/5 क्यू, यस और नो? यस और नो? नूर जी सर. यस और नो? यस. इट मींस दैट एन टू डी हैज समथिंग विद पी प्लस समथिंग विद क्यू, इज दिस क्लियर? यस. ओके, एक दोनों में से एक वेरिएबल हमें बता रहा है कि इट्स 3/5, तो ये होगा 2/5, यस और नो? Yes, of course. Okay, तो ये 3/5 और 2/5 रेशो हमें पता लग गई है कि ये 3 रेशो है, ये 2 रेशो है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इज दिस क्लियर? अब पी को फाइंड आउट करना है. किसको फाइंड आउट करना है बेटा? पी. ओके, आपको नजर आ रहा है कि इस वेक्टर में ये जो है ये 3/5 जो है ये पी के बराबर है आपके पास कि नहीं है? तो 2/5 बराबर होगा x के, तो हम लोग ये निकालेंगे कि ये क्या चीज है, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आएगा 3/5x इज इक्वल टू 2/5p. तो 3/5 वहां पे जाके फ्लिप होगा अरबाब, मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो ये आपके पास 5/5 कट गया, तो 2/3p आ रहा है. क्या आ रहा है बेटा? दोबारा देखें बेटा, ये क्वेश्चन जरा दोबारा देख लें. मैंने दोबारा कर दिया ताकि मैं दोबारा समझा सकूं, तो काइंडली पे अटेंशन ताकि सबको सही समझ आ जाए. पहले तो हमें ये पता लग गया कि सी बी एन ओ एन आर एक्सटेंडेड टू मीट एट डी, ये तो पता लग गया ना सबको. जी. OD निकालना है तो पहले ON निकाल लूंगा क्योंकि ON is the part of OD. Is this clear? तो P plus 3/5 Q. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. पहले ON
इज इक्वल टू पी प्लस 3/5 क्यू। यहां तक सबको समझ आई है कुलसुम नूरुलैन? जी सर। ओके चलें, शुक्र है। ओके अब जरा देखिए बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सो दिस इज द ओ टू डी वेक्टर, ये ओ टू डी वेक्टर है, यहाँ पर एन मौजूद है। ठीक है बेटा नूर, अभी आपने कहा है कि सर ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास बराबर है पी प्लस 3/5 क्यू के, ऐसे ही है? जी। क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी पी के साथ एक नंबर होगा प्लस क्यू के साथ भी एक नंबर होगा, यस और नो? यस और नो बेटा, माइक ऑन रखें सब अपने। जी जी सर। ओके तो बेटा ये नूर, ये 3/5 क्यू है, तो ये 2/5 क्यू होगा? यस सर। होगा कि नहीं बेटा? बिल्कुल होगा सर। तो मैं ये एन टू डी वेक्टर यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, तो 2/5 क्यू के बारे में हम लोग क्लियर हो गए। अब हमने फाइंड आउट करना है, हमें ये नजर आ गया है कि ये वेक्टर जो है, ये जो कॉर्नर है ओ टू एन, ये 3 पार्ट्स है और ये 2 पार्ट्स है, ये 3/5 से पता चला है। एग्री? रिमेनिंग रेशियो है नंबर। हाँ जी, तो अब हमने लेना है कंपैरिजन मेथड कि 3/5, देखो जरा एक अब जरा मुझे यहाँ पे गौर से सुनना है कि यहाँ पे 3/5 जो है वो p के बराबर है। इज दिस क्लियर नूर? इज दिस क्लियर? यस। बट 2/5 इज अननोन टू मी व्हिच इज x, जो मैं नंबर में निकाल के p के साथ लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/5 x इज इक्वल टू 2/5 p। तो x निकालना है तो 3/5 वहां पे जाके फ्लिप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 p मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो 5 5 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2/3 p। इज दिस क्लियर? यस। चलो जी शुक्र है, तो ये हो गया जी हमारे पास 2/3 p। एग्री? नाउ हमें ओ टू डी निकालना था ना बेटा, ओ टू डी निकालना था कि नहीं? जी जी सर। तो ओ टू डी निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर्स को करेंगे ऐड, तो ये यहाँ पे पी के साथ 1 लिखा है, तो 1 + 2/3 करके देखते हैं कितना आता है। 1 + 2/3, काशिफ समझ आइए बेटा, इट्स 5/3 p प्लस 3/5 + 2/5 कितना आता है, जरा ये भी देख लें, 3/5 + 2/5 इट इज इक्वल टू 1, तो ये होगा 3/5 1 q। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो ये हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर उसका ओ टू डी। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। जरा एक मिनट सबर करें, आई हैव अ डाउट विद दिस आंसर, तो मैं जरा आंसर थोड़ा चेक करना चाहता हूँ। ठीक है सर जी। आप लोग इतनी देर नोट डाउन कर लें बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आंसर हमने गलत निकाला है, तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म। तब तक आप लोग ये लिख लें क्वेश्चन पूरा। बेटा मरियम के ग्रैंडफादर की डेथ हुई है, तो अभी पता लगा है, तो इन लाइव इन लाइव आ चुकी हूँ। काशिफ क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा ये वाला? ये है 5b। बिल्कुल ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमने सही किया है। तो 5/3 p + q दैट इज द फाइनल आंसर। एक्चुअली पता नहीं ऐसे मुझे डाउट हो रहा था कि मैंने गलत किया शायद जी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? प्रोसीड करूं? चलें जी, ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, तो अच्छा है कि जरा रिवाइज हो जाएगी। बड़े दिन हुए थे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आगे नहीं आया था। कहता है कि शो दैट 16.9 बी टू डी इज 16.9, तो बी टू डी इज द पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल, तो पहले ये ट्राइंगल आउट करना है, अदरवाइज पेपर में गलती हो जाएगी। तो बी डी ए 16 दैट इज 19 मीटर, दिस इज 16 मीटर, ये 57 हो गया। तो हमें बी टू डी निकालना है, तो मतलब स्मॉल ए निकालना है, तो कोसाइन रूल से ही हो सकता है। यस और नो? साइन रूल नहीं लगा सकते इसमें। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16² + 19² - 2 × 16 × 19 × cos of 57। ठीक है बेटा, क्लियर है जी सबको?
कि ये क्या होता है. अरबाब इज दिस क्लियर टू यू? यस सर. तो राइट साइड को कैलकुलेटर में डाल लो, 16 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू 19 कॉस ऑफ 57. सो ए स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 285.85. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आंसर इट इज इक्वल्स टू 16.90. तो वन डेसिमल तक बताना है तो इट्स शोन, तो 16.9 शोन. ठीक है बेटा, तो ये आप जो आपने निकाला है वो आप लोग यहाँ पे लिख लें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है फिर. कैलकुलेट सी बी डी, तो सी बी डी इज द पार्ट ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल, तो सेकेंड ट्राइंगल को आउट कर लेंगे. तो ये हम लोग आउट कर लेते हैं साइड पर ही. तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बेटा 75. ठीक है ओके. यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 16.9. सी बी डी का मतलब है कि हमने एंगल बी फाइंड आउट करना है. इज दिस क्लियर? यस और नो? यस और नो बेटा? यस सर. ओके यस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स हमने फाइंड करना है, लेकिन एक्स के सामने भी साइड अवेलेबल नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ पे सी फाइंड कर लें. ठीक है, और वो साइन रूल से हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा साइन सी डिवाइड बाय 16.9 इज इक्वल्स टू साइन 75 डिवाइड बाय 32. कुलसुम 16.9 वहां पे जाएगा, तो ये आएगा right. बेटा यस, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16.9. राइट साइड को कैलकुलेटर में डाल के इनवर्स लें ताकि सी आ जाए. तो राइट हैंड साइड को डालेंगे हम लोग साइन 75 ब्रैकेट क्लोज, नीचे आएगा 32. एंगल फाइंड करेंगे हम साइन रूल इस्तेमाल करते हैं ना बेटा. एंगल के लिए एंगल साइन रूल से भी फाइंड होता है, कोसाइन से भी फाइंड होता है. ये बात गलत है. अच्छा कि आप एंगल के लिए ये करेंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ऊपर के फॉर्मूले में भी कॉस 57 मौजूद है, तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है ना. वो मतलब अगर अगर फॉर एग्जांपल तीनों साइडें होती तो मैं ये एंगल भी कॉस रूल से निकालता, साइन से निकलता ही नहीं. तो ये आपके पास आ गया राइट साइड पे ये. अब इसका ले लेंगे कॉस इनवर्स आंसर, तो ये आ जाएगा बेटा 59.3. ये आ गया बेटा मेरे पास 59.3. अब मुझे सी बी डी एक्स निकालना है, क्वेश्चन वो था. तो एंगल बी होगा 180 से दोनों माइनस करके. यस और नो? सो 180 माइनस 75 माइनस 59.3, तो 180 माइनस 75 माइनस आंसर, तो ये आ रहा है बेटा 45.67. तो हम लोग लिखेंगे 45.7 45.7 डिग्री. तो जो आपने निकाला है आप ऊपर क्वेश्चन में लिख लें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 59.3, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, दोनों चीजें निकाली हैं इस क्वेश्चन में हमने, इट इज 45.7. ओके, एग्जामिनर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा. तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा प्रोडक्ट ऑफ टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइन इंक्लूडेड. तो ए वन इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय साइन 57. ऊपर वाला बेटा अरबाब के क्वार्टर में डालो. ओके, ए टू निकाल सकते हैं 1/2 इंटू 16.9 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू थी हमारे पास 45, तो साइन 45.7. बेटा ऊपर वाले से क्या आ रहा है आंसर? अरबाब क्या आ रहा है ऊपर वाले से आंसर बेटा? ये आ रहा है 107.34. ओके, नीचे नीचे क्या आ रहा है? नीचे एक मिनट, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 16.9 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय साइन 45.7, तो इक्वल्स 193.5. तो इन दोनों को ऐड कर लो, प्लस 107.34, तो ये आ रहा है 308. तो हम लोग लिखेंगे 300. ये अरबाब ऊपर वाला ठीक किया बेटा आपने? जी सर. थोड़ा डाउट है मुझे ना. 127 आ रहा है यार. ठीक है, तो 127 प्लस 193.5 प्लस आंसर इज इक्वल टू 320 आता है, तो 321 लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे. ठीक है बेटा,
कैलकुलेशन करते हुए ख्याल रखा करें, आंसर गलत हो सकते हैं आपके। चलें जी, नोट डाउन कर लिया यार कि नहीं? सर नूर, नोट डाउन हो गया बेटा? जी, सर हो गया। चले, ओके। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए डी। तो बी से ए डी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है कि मैथ्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन बनती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में आउट कर लूंगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इस पॉइंट को नाम हम दे देंगे एक्स, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बेटा 75, ये है बेटा 16.9। तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि एंगल 15 है। यस और नो बेटा, समझ आई है? सर बी टू ए डी मांग गए आपने, तो सी डी पे लाइन नहीं बनाई। ओ या, थैंक्स 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 थैंक्स। तो हम इसको दोबारा करते हैं। सो इट्स बी टू ए डी। तो बी टू ए डी के लिए हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगा देंगे, ये 90 हो गया, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग कर लेंगे बाय एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसको नाम दे देंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एक्स, ए बी है 16, ये है बेटा 57। तो 90 माइनस 57 करो तो क्या आता बेटा? 33। तो हमने ये निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी खातिर, हम लोग इस डायग्राम को मैं उठा के नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट पेज का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको पेस्ट। ऑलराइट, अब जरा देख लें बेटा, एक्स निकालना है तो अरबाब एक्स डिवाइड बाय साइन 57, इट इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय साइन 90। होता है ना बेटा? जी साइन 90 आपको पता है ऐसे भी 1 के बराबर, लेकिन फिर भी लिख लेंगे। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 50 साइन 57, तो 13.4 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, नाउ दिस इज अ ट्राइंगल टी आफ्टर द ट्रांसलेशन बाय द वेक्टर 2 एंड -1। तो 2 राइट एंड 1 डाउन है, ऊपर तो स्क्रॉल करें प्लीज, जी बस हो गया। हो गया। ओके, कहते हैं ट्राइंगल टी आफ्टर द ट्रांसलेशन बाय द वेक्टर 2 एंड -1। तो 2 टूवर्ड्स लेफ्ट एंड 1 डाउन। सो जरा यहाँ पे देखें, ये 2 टूवर्ड्स लेफ्ट इतना है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस है, ठीक है। 2 टूवर्ड्स लेफ्ट एंड 1 डाउन, ठीक है। सो ट्राइंगल टी आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो आपने यहाँ बना लेना ट्राइंगल लाइक दैट। तो 1 2 3 4 5, तो ये तो पॉजिटिव टू है। राइट रहेगा ना? या, इट्स पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव, थैंक्स फॉर द करेक्शन। सो इट्स 2 राइट, इट्स 2 राइट प्लस 2 एंड 1 डाउन। तो ये कॉर्नर आपका यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे ट्राइंगल बना लें, बस 4 बॉक्सेस एंड 6 बॉक्सेस। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया। अब ये ट्राइंगल बना दिया, तो अब ऊपर ये जो आपने बनाया है इसको आप इरेज कर दें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने लिख देना है पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए पार्ट वन, ठीक है। ओके, देन ये कह रहा है कि ट्राइंगल टी आफ्टर द रोटेशन 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। तो ट्राइंगल टी को रोटेट करना है, तो ओरिजिन पे रोटेट करना। तो ये देखें बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाना है। क्या बनाना है बेटा? तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा बनेगा बेटा? यस और नो? यस तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा इधर, आ गया बेटा, इसका पॉइंट नाम ए है, तो ये हो जाएगा ए डैश। नाउ दिस लाइन इज अ वर्टिकल लाइन, तो ये लाइन यहाँ पर हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। यस और नो अरबाब? सर, ये हो गया 6 पॉइंट, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो ये लाइन हो जाएगी यहाँ पे वर्टिकल, वर्टिकल ठीक है बेटा। ये देखें जी, आपकी रोटेशन हो गई है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। इसके अंदर लिख लेंगे ए पार्ट टू। फिर कह रहा है कि ट्राइंगल टी आफ्टर द एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर -1/2 और सेंटर है -2 3। ओके, -2 एंड 3 इज दिस सेंटर, यस और नो? ठीक है, स्केल फैक्टर इज माइनस। अब जरा देखो बेटा, ये माइनस शो करता है कि ये शेप फ्लिप भी होगी, और हाफ शो कर रहा है कि हाफ होगी, ठीक है, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो टी को, तो टी सेंटर से टी की तरफ जाए बेटा, सेंटर से टी की तरफ जाएं, तीनों कॉर्नर्स को नाम दे दें। ए मैंने लिखा हुआ है, बी और सी लिख देता हूँ। तो पहले मैं ए की तरफ जा रहा हूँ,
तो हमें लेना है ट्रांसलेशन वेक्टर लेना है, तो ए का वेक्टर होगा क्या, जरा चेक करें. सो इट वुड बी वन टू डाउन, यस और नो, एंड वन टू थ्री फोर राइट. राइट अरबाब, फोर राइट एंड टू डाउन. अब इसको माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो ताकि तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाए. तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर, तो ये आता है हमारे पास माइनस टू, और ये आ जाएगा हमारे पास नीचे, नीचे आएगा हमारे पास वन. वेरी गुड. ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, वन. वन तो माइनस टू, टू टूवर्ड्स लेफ्ट और वन अप लेना है. राइट अनूर जी सर. तो टू टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके इट्स लेफ्ट नाउ एंड वन अप, तो ये हो गया जी वन अप. तो ये वाला पॉइंट जो है आपका ए डैश है. ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए वाले को मिटा रहा हूँ. अब इससे मैं जाऊंगा कहाँ पे, इससे मैं जाऊंगा बी पे. काशिफ, काशिफ यस सर. बेटा सेंटर से, सेंटर से बी तक जाओ. सर फोर एट सर. एट नहीं है ना बेटा, नीचे जरा देखो ना, यहाँ पे माइनस टू से टू आए हो, ये दो दो डब्बे हैं. फोर राइट है, अच्छा फोर राइट है, फोर राइट और वन अप. ठीक है, सो ठीक बी का वेक्टर है फोर राइट एंड वन अप. ओके, इसको माइनस जीरो पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करो क्योंकि स्केल फैक्टर है, तो ये हो जाएगा माइनस टू. ठीक है, और माइनस 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 जीरो पॉइंट फाइव इंटू माइनस टू वन आता है हमारे पास. यस और नो? नहीं, जीरो पॉइंट फाइव इंटू वन है, सॉरी इंटू पॉजिटिव वन, सो इट इज माइनस वन बाई टू. ये कितना आ रहा है, माइनस जीरो पॉइंट फाइव. ये कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है बेटा, पॉइंट फाइव. ओके पॉइंट फाइव, तो टू टूवर्ड्स लेफ्ट एंड पॉइंट फाइव डाउन. सो टू टूवर्ड्स लेफ्ट एंड पॉइंट फाइव डाउन, हो गया पॉइंट फाइव डाउन ये वाला. यस और नो काशिफ? जी सर काशिफ, बिल्कुल. टू टूवर्ड्स जी लेफ्ट सर एंड पॉइंट फाइव डाउन, तो ये हो गया हमारे पास. ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये बी डैश है. कौन सा पॉइंट है बेटा, बी डैश. ओके, अब हमने फाइंड करना है सी वाला. नूर आपकी बारी अब. नूर जी सर. बेटा सेंटर से सी तक जाओ, मुझे बताओ वेक्टर क्या होगा. सिक्स राइट एंड वन अप. वेरी गुड, माइनस जीरो पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करके बताओ, आधे आधे हो जाएंगे बस. माइनस थ्री और माइनस पॉइंट फाइव, यस और नो? यस. माइनस जीरो पॉइंट फाइव, ठीक है जी. तो थ्री टूवर्ड्स लेफ्ट एंड आधा नीचे, तो थ्री टूवर्ड्स लेफ्ट, तो वन टू थ्री टूवर्ड लेफ्ट और आधा नीचे, ये आ गया कि नहीं. तो यहाँ पे बन गया आपका ये ट्रांसलेशन. इज दिस क्लियर? ये हो गया जी बेटा, आपकी इनलार्जमेंट हो गई है, और ये आपने इसको शेड करके और इसके अंदर लिख लें कि ए पार्ट थ्री. कुलसुम समझ आ गई बेटा अब आपको इनलार्जमेंट? काफी स्लो हुआ है ये, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा. अच्छा सर आप जरा ये वो रिपीट करिए प्लीज. कौन सा, सी वाला पार्ट टू, रोटेशन वाला बेटा. रोटेशन वाला कहता है इसका ये सेंटर वाला जो अपने लाइंस. ओके बेटा देखो, ये कहता है ओरिजिन के ऊपर रोटेट हुआ है, ठीक है, 90 डिग्रीज. तो मैंने क्या किया कि ट्रायंगल टी का एक कोना जो है वो ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है. अब हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसे ही बनता है, यस और नो? जी. और ग्रिड के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाना आसान है. अब अगर तुम कहो कि सर ये 90 है तो बहुत नाजायज होगी, यस और नो? बिल्कुल ठीक है. 90 का एंगल आपको पता ही है कि स्ट्रेट लाइनें होती हैं, इस तरीके से बनता है 90 एंगल, ठीक है. आप ये प्रोटेक्टर से भी रख के कर सकते हो. तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है. ए टू बी आपको नजर आ रहा है कि ए टू बी इज अ वर्टिकल लाइन, एग्री? तो 90 डिग्री के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. खाली वो सेंटर का मसला है, सही है. ओके चलें चलें जी. ये क्या कह रहा है भाई अरबाब? डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप टी ऑनटू ए. टी ए पे कैसे आएगा? इनटू ए रोटेशन है सर. नहीं है रोटेशन यार, क्या हो गया आपको? दो मार्क्स के लिए रोटेशन नहीं होती, इट्स अ रिफ्लेक्शन. सर वो लाइंस मीट कर ले. हाँ जी, लाइन मीट करके देख लें कि ये रिफ्लेक्शन है कि नहीं. तो लाइन मीट करके देख लें कि ये रिफ्लेक्शन है, तो हमें उसी में अंदाजा हो जाएगा. तो ये यहाँ से गया यहाँ पर,
यहां से गया यहां पर और ये यहां से गया यहां पर, क्या ये रिफ्लेक्शन है कि रोटेशन है? ये रिफ्लेक्शन है, जी बिल्कुल, ये इसको कहते हैं नाइस। रिफ्लेक्शन। और इसकी जो मिरर लाइन है एट y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा ना नूर? यस सर। बेटा y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज द मिरर लाइन, पता है क्यों? क्यों सर? बेटा इसका ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे शीशा यहाँ पर होगा ना, और इस लाइन का नाम होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्या नाम होता है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन था ना, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? कोशिश करें आज के जो क्वेश्चन है हमारे पास, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया, आज खूब प्रैक्टिस करें ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। हमने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया, खूब प्रैक्टिस करें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन हमारा वेक्टर्स डिस्कस हुआ है, आप वेक्टर्स के ऊपर ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोग आज के दिन के लिए आप प्रैक्टिस करो। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, ये अगले क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे, थोड़े डिफिकल्ट हैं और वो दोनों क्लास में नहीं है तो फिर उनका भी हर्ज हो जाएगा। मरियम भी नहीं है और खान साहब भी नहीं है, तो ये इंशाल्लाह हम लोग कल कर लेंगे। ये मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड करके आप लोगों को पेपर भिजवा देता हूँ। आप लोगों का टास्क किया है आज का ट्रांसफॉर्मेशन, वैक्टर्स और तीसरा टॉपिक क्या था हमारा, ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों के ऊपर आप लोग जरा आज प्रैक्टिस कर लें। ठीक है बेटा? ओके सर।